हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंड आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। ऑलमोस्ट हम मॉर्निंग के टाइम में मिलते हैं। आज पहली बार हम इवनिंग में मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ स्पेशल इवेंट है तो मैंने सोचा कि उन्हें आज व्लॉग बनाया जाए। और शाम के बज गए 6 और इस टाइम मैं क्या कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ कढ़ी चावल जो कि मेरे फेवरेट हैं। राम राम सारे हैं बोल। होता को नहीं आज के टाइम पे। अरे ठीक है बोल देना, तू बात कर, मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, जल्दी कर। तो गाइज अभी हम रेडी होके जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड को लास्ट मोमेंट पे अभी डिसाइड हुआ कि हमें बर्थडे पार्टी में जाना है। 7 बजे का टाइम था और टाइम हो गया 8 बजे गए हैं। अब हमारा डिसाइड हुआ जाने के लिए, तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। पता चले हम उससे भी लेट हो जाए, कट वगैरह केक कट हो जाए तो मैं रेडी हो जाती हूँ। मेकअप डन हो गया है मेरा, अभी हम जिससे पहले फिर से मना हो जाने की रेडी हो जाते हैं जल्दी से। ओके तो मैं रेडी हो गई हूँ, मेरी फ्रेंड आ रही है मुझे पिक करने के लिए यहाँ पे। थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलते हैं। इतने में मैं थोड़ा फ़ोटो शूट कर लेती हूँ, फ़ोटो देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं मेरे में, आप जाइए फॉलो कीजिए फ़ोटो देखिए। मेरी फ्रेंड यहाँ पे पहुँच गई है। ओके आ गई आ गई। तो काफी हो गए हम। वो भी होगी क्या? वैसे देखा जाए अपनी पहली ग्रुप पार्टी होगी है क्लास की, मतलब पहली अटेंड करने वाले। मैं तो पहला अटेंड कर रही हूँ। तो वही तो कह रही सही। हम लोग पहुंच गए हैं लोकेशन पे, यहाँ पे ऊपर पार्टी हो रही है। मैं लेके आई हूँ सबको। अभी भी क्लिक कर दो। अबे गीत चेंज करो बे। हैप्पी बर्थडे सॉन्ग लगाओ। देख के
कल रात का सेलिब्रेशन काफ़ी अच्छा रहा। मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि जल्दी वापस आ गए थे। आज सुबह सुबह मेरी क्लास थी तो मैं निकल चुकी हूँ अपनी क्लास के लिए। टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास था तो बर्फ़ पिघलने के कारण रास्तों में काफ़ी पानी पानी हो गया है और मैं निकलती हूँ अपनी क्लास के लिए जल्दी से। मिलते हैं शाम को। हेलो, वेलकम अगेन एंड गुड इवनिंग। क्लास के बाद से मैं आने के बाद मैं सो गई थी और अभी शाम को सोचा थोड़ा घूमने के लिए निकलूँ, कुछ ग्रोसरी शॉपिंग और एक वॉक के लिए। अभी हम निकले हैं, गाड़ी को रुकी। सो ये है ब्यूटीफुल सी शाम, बिल्कुल नीला हो रखा है आसमान और ठंड बिल्कुल नहीं है, अच्छा मौसम हो रखा है। और यहाँ रशिया में भी स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया है और यूनिवर्सिटी में भी 15 मार्च टू 17 मार्च स्प्रिंग सीजन सेलिब्रेट करा जा रहा है और हम वहीं पे जा रहे हैं देखने सेंटर पे। वहाँ पे भी स्प्रिंग फेस्टिवल की कुछ तैयारियाँ की गई हैं, वो सब आपको हम दिखाते हैं। तब तक आप व्यू का मजा लीजिए। स्नो अभी भी उतनी आ रही है, स्नो अप्रैल एंड तक रहेगी काफ़ी ह्यूज अमाउंट में। तक फिर भी इजी था स्नो पे चलना, अब इतना बुरा हाल हो चुका है, स्नो पिघल चुकी, कभी पिघलती कभी थोड़ा सा टेम्परेचर माइनस में आ जाता है तो वहीं की वहीं जम जाती है। और जो ब्लैक स्नो है उस पर चलना, ये देखो कितना मुश्किल है। इससे अच्छा तो स्नो फॉल ठीक था, ये खतरनाक है। और ये है वो रास्ता जहाँ पे मैंने स्नो फॉल के टाइम में अपनी मोस्टली वीडियो यहाँ पे शूट की है। ये मेरी फेवरेट जगह है ये। और सी मैंने क्या देखा, मैंने मून देखा। अरे चुप गया, लगता है मून भी शर्मा गया मुझे देख के, पर मुझे देखना था। लास्ट ईयर जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो यहीं से रोज क्लासेस के लिए यूनिवर्सिटी जाया करती थी, और अब ऐसा होता है कि कभी कभी आना होता है इधर, थोड़ा अलग वाला और अच्छी वाली फीलिंग भी आती है। ओके, मुझे फिर से चंदा मामा दिखाई दिए, होप आपको भी दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा लग रहा बारिश का मौसम हो रखा है, हवा तो फिर भी काफ़ी ठंडी चल रही है। अब और अच्छे से दिखाई दिया है, जल्दी से कैप्चर करना पड़ेगा। वो दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, चुप गया। एक मून की फ़ोटो क्लिक करने के लिए, एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए चंदा मामा ने मुझे इतना परेशान किया है, मतलब लिटरली मेरे हाथ सुन हो गए। ऐसा लगता है जैसे चल रहे हैं तो ठंड नहीं है, लेकिन खड़े होते ही तो बॉडी बिल्कुल सुन हो जाती, इतनी ठंड है इधर। अजीब ही मौसम है, समझ नहीं आता। ओके, आँखों में हवा लगती है, ऐसे आँसू आने लगते हैं। और सुबह भी पता यही हुआ था क्लास के टाइम में मेरे साथ, जा रही हूँ क्लास और जब एंट्री पे फेस आईडी पे देखा मैंने अपना फेस, ऐसे आँसू दोनों गालों पे आँसू थे, जैसे मुझे किसी ने पीट के क्लास भेजा। एक क्रिसमस की डेकोरेशन जो कि अभी तक हो रखी, अभी स्प्रिंग की दिखाते हैं। देखो क्यूट सा पप्पी, गंदा दिख रहा था, अरे कितना क्यूट बच्चा था वो। साइज में तो न्यू बोर्न जैसा लग रहा था। यहाँ पे सब लोग इन, ये देख सारी बर्फ यहाँ से उखाड़ दी गई है, पूरा पहाड़ बना दिया बर्फ का। और यहाँ पे इन्होंने ये स्प्रिंग का कुछ डेकोरेशन कर रखते हैं। ये ब्यूटीफुल सी कन्या, रशियन कन्या,
ये इसका दूल्हा, ये इसकी सास लग रही है शायद, ऐसे बाल बिखेर रखे हैं। तो ये लोग कुछ ऐसा बना के सेलिब्रेट करते हैं अपना स्प्रिंग सीजन। लास्ट ईयर तो यहाँ पे फंक्शन हुआ था काफ़ी अच्छे से, और मुझे लग रहा है मैंने स्नैप देखी थी शायद वो हो चुका है, और मे बी कल परसों में वो हो। सो आएंगे अगर पता लगा दो, दिखाएंगे आपको। ये था मेरा हॉस्टल वाला रास्ता, इधर से सीधा सीधा जाके हॉस्टल है, इंडियन हॉस्टल। सो आज के लिए इतना ही, इतना कुछ था दिखाने के लिए बस। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इफ लाइक देन लाइक माय वीडियो। देखो मुझे क्या मिला, क्यूटी क्यूटी क्यूटी।